गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट, आज हम तीन ताल के त्रिगुण लिखने का तरीका सीखेंगे। तीन ताल के तो उन किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले मात्रा 16, विभाग 4, ताली 1, 5, 13 पर और खाली 9 मात्रा पर। ताली, विभाग, खाली सब वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बोल में चेंज हो जाएगा। इगुण में हम एक मात्रा के नीचे एक बोल, दुगुण में एक मात्रा के नीचे दो बोल और त्रिगुण में एक मात्रा के नीचे तीन बोल लिखते हैं। सबसे इजी स्टेप ये है कि हम पहले तीन बार इस ताल को पूरा पूरा लिख लेंगे। दहा दिन धिंदा, दहा दिन धिंदा, दहा तिन तिंता, ता दिन धिंदा। फर्स्ट टाइम दहा दिन धिंदा, दहा दिन धिंदा, दहा तिन तिंता, ता दिन धिंदा। सेकंड टाइम दहा दिन धिंदा, दहा दिन धिंदा, दहा तिन तिंता, ता दिन धिंदा। तीन बार हम इसको कम्प्लीटली पूरा 16 मात्रा तक लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम तीन तीन मात्राओं के इस तरह से इसको अंडरलाइन कर देंगे, तीन बोलों को एक साथ। और जहाँ चार मात्रा, यहाँ पर 4 विभाग हुए, यहाँ पर एक विभाग की लाइन, फिर इसके बाद तीन अंडरलाइन इस तरह से बोलों को, फिर विभाग की लाइन, फिर यहाँ पर 12 मात्रा के बाद फिर विभाग की लाइन, 13, 14, 15, 16, यहाँ हमारी ताल कंप्लीट हो गई। एक बार हम इसके बोल फिर से बोल रहे हैं। धा धिन धिन, धा धा धिन, धिन धा धा, तिन ता धिन धिन, धा धा धिन, धिन धा धा, धिन धिन धा, धा तिन तिन, ता ता धिन, धिन धा धा, धिन धा धा, धा धा, धा धिन धिन, धा धा तिन, तिन ता ता, धिन धा धा, धिन धा। लास्ट में हमें धा क्रॉस, पांचवी मात्रा पर 2, 9 मात्रा पर खाली, 0 का शून्य का जो चिन्ह होता है वो लिखना है, और 13 मात्रा पर 3 मतलब तीसरी ताली, 1, 5 और 13 पर ताली और 9 मात्रा पर खाली। इस तरह से हम इसको लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में पूरा लयकारियाँ लिखने के लिए आती हैं, दुगुण, तिगुण, चौगुण। उस बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं लिखने में तिगुण में, तो बेट आप लोगों को बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।